केंद्रीय उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा आज ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और ग्वालियर एयरपोर्ट पर भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि वह सेफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देकर ग्वालियर आए हैं। मुलायम सिंह का जाना केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की क्षति है, जिसके लिए पूरा देश उनको याद करेगा और मैंने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मतलब दो आईडी नहीं मुझे भाई से पहुंचा यहाँ छोड़ दो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आज ग्वालियर में मेरा आगमन मुलायम सिंह जी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करते पूर्ण जीवन उन्होंने जनसेवा के लिए इंद नीचे करूँ ये क्षति केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं केवल उनके परिजनों के लिए लेकिन समूचे देश के लिए भगवान से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज वहीं से आज ग्वालियर में पहुँचा हूँ। ग्वालियर में आज सिंधिया स्कूल का वार्षिक उत्सव हमारे देश की महान क्रिकेटर पृथ्वीराज जी आज हमारे वार्षिक उत्सव में हमारे साथ उपस्थित थे। देश की महिलाओं को केवल नहीं लेकिन देश के नौजवान प्रेरणा देने की क्षमता मिथिली जी की है। उनकी एक कल्पना विचारधारा एक संकल्प अपने खेल के प्रति जो उन्होंने दर्शाया राष्ट्र की टीम की दो बार कप्तानी की एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नौजवानों के लिए अपनी ज़िंदगी भर जरूर है। उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे प्रेरणा भी हमारे पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिले यही काम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने ग्वालियर में 16 अक्टूबर को हुए नए एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के सफल आयोजन के लिए ग्वालियर वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्वालियर को आगामी 15 नवंबर से नई हवाई सेवाएं मिलने जा रही हैं, जिससे ग्वालियर वासियों को अब दिल्ली बेंगलुरु मुंबई जाना सरल हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए नए विमान ग्वालियर से दिल्ली बेंगलुरु मुंबई तक कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। मेरी आमजनों से भी ज़्यादा अपील है कि एयर कनेक्टिविटी को ज़्यादा लाभ उठाएँ, जिससे इस तरह की सेवाएँ बेहतर रूप से संचालित की जा सकें। 15 नवंबर से मेरी यही कोशिश रही है, आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो ग्वालियर में और आधुनिक कनेक्टिविटी हो और सबसे सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी। पहली मेरी कोशिश थी कि हम लोग ATR और Q400 बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट के साथ छोटे प्लेन्स के साथ कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाएंगे, पर जैसे जैसे लोग इससे भलीभांति परिचित हो रहे हैं मेरी कोशिश रही है कि हम बड़े प्लेन लेकर वो बड़े प्लेन शुरुआत के तौर पर दिल्ली ग्वालियर के बीच में कनेक्टिविटी और प्रतिदिन की कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी अड़चन आती थी कि दो दिन प्लेन चलता था, तीन दिन प्लेन नहीं चलता था, तो रोज़ की कनेक्टिविटी, सात दिवस की कनेक्टिविटी दिल्ली और ग्वालियर के बीच में हम लोगों ने सितंबर की माह में शुरुआत की। मुझे खुशी है कि पिछले 22-25 दिनों में करीब करीब 5,500 यात्री उस एयरबस 321 विमान से जो 186 की क्षमता रखता है, जो डबल क्षमता है ATR और Q400 का, करीब करीब 5,500 लोग उससे आवागमन की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। इसमें भी वृद्धि आए, कनेक्टिविटी देना मेरे मंत्रालय और मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कनेक्टिविटी का पूर्ण लाभ लेना ये भी क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी है। तो आपके द्वारा उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ बेंगलोर की कनेक्टिविटी कुछ दिन चलती थी, कुछ दिन नहीं चलती थी, तो हमने सुनिश्चित किया है कि 6 दिन बॉम्बार्डियर Q400 विमान जो 90 की क्षमता रखता है उसके आधार पे किया जाएगा और 1 दिन हफ्ते में शनिवार के दिन पे बोइंग 737 का विमान जो 180 की क्षमता रखता है उसके आधार पर बेंगलोर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हम लोग ने कर ली। 15 नवंबर से जो खुशखबरी मैंने 16 तारीख को मंच से आगाज़ किया था, हफ्ते में 4 दिन सोमवार मंगलवार गुरुवार और शुक्रवार मुझे लगता है, ये 4 दिन
ग्वालियर से मुंबई की कनेक्टिविटी एयरबस 321 विमान के आधार पर 186 की क्षमता वाला विमान है। हर हफ्ते 4 दिन की कनेक्टिविटी हम लोग ने सुनिश्चित की है। तो इन सब सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के, मेरे सभी क्षेत्र के निवासी उठाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ताकि इसे हम लोग स्थायी बना पाएंगे और इससे एक तीव्र गति आएगी। धन्यवाद भी सभी क्षेत्र की जनता को और मेरे मीडिया के सभी भाई बंधुओं को भी देना चाहता हूँ, जो सफलता 16 तारीख का कार्यक्रम की प्राप्त हुई, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम में शिरकत किया, सभी को मैं तहे दिल से झुककर प्रणाम करता हूँ। केदारनाथ में हुए हादसे पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिर सिंधिया ने दुख जताते हुए कहा कि मेरी यही सोच है कि कोई भी दुर्घटना होती है उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, वह महत्वपूर्ण है, इसलिए सिविल एविएशन एक अत्याधुनिक वातावरण तैयार कर रहा है। हेली सेवा में विस्तार किया जाएगा और ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से हर जिले में एक नया हेलीपैड तैयार किया जाएगा जिससे आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही उनके द्वारा भूतल परिवहन विभाग से बातचीत की जा रही है जिससे बड़े नेशनल हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अस्थायी हेलीपैड तैयार किए जा सकें। योजना की शुरुआत ऋषिकेश से की जा रही है जहां हर 125 किलोमीटर पर एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। किस तरह से क्या योजना है? हमारी यही सोच है कि मान न करे लेकिन जब दुर्घटना होती है तो जो गोल्डन आवर थोड़ा सा होता है जहाँ लोगों की हम लोग जान बचा पाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्व भर की तरह हम लोग देश में भी प्रधानमंत्री जी के सबसे आधुनिक वातावरण तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तारतम्य में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रणकटोले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी कोशिश है हेली सेवा के आधार पर, हेली दिशा के आधार पर हर एक प्रदेश में सरकारों के साथ चर्चा करके हर एक जिले में हेलीपैड पूर्ण रूप से तैयार, इसके लिए एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे मंत्रालय से हमने जारी किया है। 780 जिलों में कलेक्टर्स को उनके साथ विचार विमर्श भी हुई है, चर्चा भी हुई है। उसी के साथ राष्ट्र के राज्य मार्गों पर जो भविष्य में बनेंगे वहाँ भूतल पर्यावरण मंत्रालय के साथ चर्चा करके नवीन राष्ट्र मार्गों में हेलीपैड की व्यवस्था हर 200-300 किलोमीटर पर किया जाए ताकि इवैक्यूएशन की अगर दीवान न करे पर ज़रूरत पड़े तो इवैक्यूएशन की सुविधा भी उपलब्ध हो पाए। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के आधार पर हम लोगों ने निश्चय किया है कि एम्स ऋषिकेश शुरुआत हम लोग करेंगे जहाँ 125 किलोमीटर की रेडियस में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। उस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो जल्द से जल्द हम लोग इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के प्रति हम लोग करना।